हेलो, क्या नाम है आपका? आप इधर कहाँ पे हैं? अकेले आए हो? यहाँ के हो कि कहीं दूर के हो? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। तो फाइनली मेरी पैकिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं मैंने मतलब सारा सामान अपना डाल लिया है। तो अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं अभी मेरे हस्बैंड हमें क्या मतलब सरप्राइज देंगे। तो अभी हम बहुत हैप्पी हैं। आरिश आप बताओ गाइस को, आप हैप्पी हो? आरिश बताओ जल्दी से, आप हैप्पी हो? बताओ, बात करो, बात करो। यस रिंग है, बात करो ना गाइस से, बात करो, हाय बोल दो। हाय हाय। चलो गाइस फिर हम चलते हैं, अभी अपना सामान वगैरह उठाते हैं और गाड़ी के पास चलते हैं। हमारी दोनों उधर खड़ी हुई है पार्क के पास, तो हम उसके पास जाते हैं, अपना सामान वगैरह उठाते हैं। तो मैं अभी आपको गाड़ी के पास मिलूं। बैग कहाँ लेके जा रहे हो? चलो। नहीं मेरा है। तो यहाँ साइड में लगा दो इसको ना, साइड में लगा दो। नहीं। चलो, चलो मैं दूसरे बैग लेके आता हूँ। हाँ जल्दी से जाइए आप और अपना सामान निकलवाइए। ये तो बहुत ज्यादा बैग हो गए, इतना बड़ा बैग। एक दो, और ये आरिश की कैप। हाँ आरिश की कैप। आजा मेरा कुत्ता, आजा। अच्छा बाद में जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। आजा आजा, हम दूर जा रहे हैं। काव्या दूर जा रहे हैं, आपको भी लेके जाएंगे बाद में। बाद में जाएंगे। नो नो नो, रोना नहीं है। चलो कोई बाद में, अब नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, यही है, नहीं जाएंगे। तो गाइज अब गाड़ी में बैठ चुके हैं, अभी बस जाने ही वाले हैं। तो दोपहर के बज चुके हैं 12 और हम हो चुके हैं लेट, तो अब जाना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं, हो सकता है आज ना पहुंचे डेस्टिनेशन पे। तो चलते हैं फिर आगे का टूर आपको बताते हैं, रास्ते में रुकते हैं कहीं पे। क्या नाम है आपका? ये कीड़े कीड़े के ये कहाँ से आए हैं? पोटू कहाँ से आ गए? क्या बेच रहे हो आप? स्ट्रॉबेरी लोकल है, यहाँ की होती है कि पढ़ते हो आप? कहाँ पे? ये जगह कौन सी है? अच्छा अच्छा, हाँ ये हाथ में भी पड़ा है, मुझे लगता है हाथ लाल है। नहीं पढ़ा, क्या बोलते हैं इसको? पोटू। चलो तो एक डब्बा दे दो। हेलो गाइस, तो हमें मतलब पता लग चुका है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जब हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई तो इन्होंने गूगल मैप लगाया, तो हम मसूरी जा रहे हैं। तो अभी हम फिलहाल आज की रात हम देहरादून ही रुकेंगे, फिर कल सुबह हम वहाँ से चलेंगे। तो देख सकते हैं अभी आप यहाँ से देहरादून 30 किलोमीटर मतलब इतना रह गया है। तो देखो यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा, व्यू है उत्तराखंड का, वाव। तो आप देख सकते हैं कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, मैं तो फुल इंजॉय कर रही हूँ और मेरा बेटा आरिश भी। आरिश कैसा लग रहा है? वो देखो आँख में चला गया इसके, एक तो एक चलते हैं यहाँ से, यहाँ पे वो ज़्यादा है, कीड़े ज़्यादा है, वो आँख में जा रहे हैं। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं आगे, अभी थोड़ा सा रह गया देहरादून, मुझे लगता है 20-25 किलोमीटर है, तो आगे जाके मिलते हैं आपसे। तो गाइस फाइनली हम मसूरी पहुंच गए हैं और होटल में आ चुके हैं। अभी हमने रास्ते में ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि एक्चुअली आरिश की तबीयत थोड़ा बिगड़ गई थी, उस वजह से हमने ब्लॉग नहीं बन पाया। तो अभी देखते हैं, कल आपको बताते हैं कि हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, कहाँ क्या क्या करेंगे। अभी वैसे मॉल रोड चलते हैं, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। हाँ अभी थोड़ा लेट हो गए ना, फिर वैसे सुबह ही चलते हैं क्योंकि अभी आरिश की तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं थी। कैसे कैसे पहाड़ देखे आपने आरिश? बहुत लंबा। क्या काई भी बहुत लंबा था। क्या था रोड, कैसे थे? ऐसे हैं? ऐसे दूसरे से हैं। दूसरे कैसे? वो दूसरे बस जाते हैं, मजे करके आते हैं ऐसे, वो ऐसे पहुंच जाते हैं। मजा आ रहा था। तो अभी क्या करना है, रेसलिंग करनी है पापा के साथ? तो गाइस देख सकते हैं आप, नहीं 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 मत मारो, पापा के साथ से मस्ती कर रहा है, देख सकते हैं आप। याली मदद करो मेरी, इसे हराने की मदद करो, गाइस देख सकते हैं आप इनकी मस्ती चली हुई है दोनों की। हाँ।
क्या खाना है? लड्डू खाने। लड्डू तो खत्म है। हैं क्या खाना है? फोन मिला रहे नहीं है, लड्डू खत्म है, मना किया उन्होंने, है नहीं लड्डू, नहीं है। और वो खा लो, वो खाना खा लो। क्या खाना है? लड्डू। चल लेके आता हूँ लड्डू तेरे लिए। क्या लाना? लड्डू। और मत ने क्या लड्डू ने क्या आओ। चलो फिर डांस करके बता दो, फिर डांस करके दिखा दो, फिर डांस करके दिखा दो अगर आपने लड्डू खाना है। मसूरी में आए हैं। यहाँ पे भी बहुत ठंड है। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत ठंड है। तो आपने तो जैकेट पहनी नहीं है? नहीं मैंने जैकेट नहीं पहनी, मैंने कपड़े पहने। गाइस तो यहाँ पे बहुत ठंड है, हमने सोचा यहाँ पे चंडीगढ़ जैसा माहौल होगा, बट यहाँ पे नहीं है। जैसे हम देहरादून पहुंचे तो वहाँ पे मतलब इतना ठंड नहीं थी। जब हम यहाँ पे रात को अभी आए हम तो 10 बज चुके हैं, तो अभी हो गया सोने का टाइम। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। पापा अभी बाय करे? नहीं मम्मा अभी बाय करे, अभी बाय करे, मैं भी बाय करता हूँ। बाय।